हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग फाइंड करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने पूरा इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पूरी अच्छी तरीके से चैनल पे बताया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज हम लोग आज इसकी करने वाले हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। जिन स्टूडेंट्स से अभी अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो एक बजा के ज़रूर देख लें, उससे आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन फाइंड करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन फाइंड करेंगे। सबसे बेसिक बात आपको ये ध्यान रखनी कि अगर नाउन दिया होगा तो नाउन में आपको दो क्वेश्चन करने हैं, हाउ मच और हाउ मैनी। अगर हाउ मैनी का सेंस आ रहा है तो नाउन होगा काउंटेबल, अगर हाउ मच का सेंस आ रहा है तो नाउन होगा अनकाउंटेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी यह बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर हाउ मैनी का सेंस आएगा तो नाउन होगा काउंटेबल, अगर हाउ मच का सेंस आएगा तो नाउन होगा अनकाउंटेबल। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाके मेरी वो पूरी वाली वीडियो एक बार जरूर देख लें, उस वीडियो देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड है ना उनके वो है 20, 20 हम लोग को सॉल्व करना। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, नीचे आंसर चेक करेंगे सबमिट करके कितने हम लोगों ने सही किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें वर्ड दिया है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के आगे अगर हम हाउ मच का सेंस लगाएंगे तभी सेंस निकलेगा, अगर हाउ मैनी कॉफ़ी नहीं होगा तो हाउ मच के बाद क्या लगा देंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। टी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, टी के लिए हाउ मच टी होगा ना कि हाउ मैनी, तो हाउ मच का सेंस आ रहा है तो क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल लगा देंगे। फिर बॉय है, बॉय में हाउ मैनी का सेंस आ रहा है तो क्या लगा देंगे हम लोग, काउंटेबल लगा देंगे। फिर अब यहाँ पे आया है सोप, सोप के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच या हाउ मैनी, सोप के लिए हाउ मच सोप, अनकाउंटेबल हो जाएगा। टेबल के लिए हाउ मैनी टेबल, तो काउंटेबल लगा देंगे। कार, कार के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मैनी कार, तो काउंटेबल लगा देंगे। हनी, हनी के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच हनी होगा, हाउ मैनी नहीं होगा, हनी के लिए मच लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब कीबोर्ड, हाउ मैनी कीबोर्ड या हाउ मच कीबोर्ड, हाउ मैनी कीबोर्ड से सही सेंस निकलेगा तो काउंटेबल लगा देंगे। फिर 9 नंबर है फर्नीचर, फर्नीचर के लिए क्या लगेंगे, हाउ मच या हाउ मैनी फर्नीचर, हाउ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्नीचर, आपको पता होगा कि फर्नीचर के जो सारे टाइप हों या एक फर्नीचर को भी हम लोग फर्नीचर बोलेंगे, या सोफा बेड चेयर टेबल जितने भी होंगे उनके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मैनी का सेंस, हाउ मच का ही सेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे हाउ जो फर्नीचर होगा ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, फर्नीचर से पहले अनकाउंटेबल नाउन लगा देंगे। फिर अगला इसमें देखेंगे हम लोग स्मोक, स्मोक क्या है, स्मोक के लिए 10 नंबर सेंटेंस, स्मोक के लिए हाउ मच या हाउ मैनी लगाएंगे। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मोक के साथ हाउ मच स्मोक होगा, हाउ मैनी तो अनकाउंटेबल है यहाँ पे, तो अनकाउंटेबल के लगा देंगे। फिर 11 नंबर में देखिए न्यूज़, न्यूज़ क्या है, एक अनकाउंटेबल है, न्यूज़ क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो क्या लगा देंगे, हाउ सॉरी अनकाउंटेबल लगाएंगे, क्योंकि हाउ मच न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल, चाहे एक न्यूज़ हो तब भी न्यूज़ कहेंगे, ज़्यादा न्यूज़ होगी तब भी न्यूज़ ही रहेगा। फिर यहाँ पे वॉच आ जाएगा, वॉच के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हाउ मैनी वॉच होता है, हाउ मैनी वॉच के लिए क्या लगाएंगे, काउंटेबल लगा देंगे, सिंपल। फिर 13 नंबर सेंस में देखना है, यहाँ पे लिखा है चीज़, चीज़ के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच या हाउ मैनी का सेंस, चीज़ होता है हाउ मच चीज़, तो अनकाउंटेबल लगा देंगे। और 14 नंबर में लिखा हाउस, हाउ मैनी हाउस होता है, तो काउंटेबल लगा देंगे। 15 नंबर में बटर, बटर के लिए लगाएंगे हाउ मच बटर, तो अनकाउंटेबल लगा देंगे। 16 नंबर में है बॉल, हाउ मैनी बॉल, हाउ मैनी लगाएंगे तो बॉल का अनकाउंटेबल आ जाएगा। टूथपेस्ट के लिए क्या लगेंगे, हाउ मच टूथपेस्ट या हाउ मैनी, टूथपेस्ट होगा हाउ मच का सेंस है, हाउ मच, तो अनकाउंटेबल लगा देंगे। अब यहाँ पे आया राइस, राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का, हाउ मच राइस होगा, तो अनकाउंटेबल लगा देंगे। 19 नंबर पे है माउस, हाउ मैनी माउस, चूहों को काउंट कर सकते हैं तो क्या लगा देंगे, काउंटेबल लगा देंगे, सॉरी माउस पे काउंटेबल लगा देंगे। और डोर, हाउ मैनी डोर, डोर भी काउंट कर सकते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, काउंटेबल। तो मैंने इसी के साथ ये 20 जो नाउन के वर्ड्स दिए हुए थे आपको मैंने अच्छे से समझाए हैं। अब आते हैं हम लोग सबमिट वर्कशीट करते, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग के सही होंगे। और हम लोग के 20 आउट ऑफ 20 यानी कि सारे नाउन जो हम लोग फाइंड किए काउंटेबल और अनकाउंटेबल वो सारे सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ऐसे ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या प्रैक्टिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। आपको और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।